अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एच एस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर 6, 18 एंड 54। यहाँ पर तीन वैल्यूज हमें गिवन है बोला जा रहा है, जो कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल की है। मतलब हमारे पास अगर चार प्रोपोर्शनल से जिसमें है ए बी सी और डी, ए रेशो भी यहाँ पर डबल रेशो का साइन जो कि इक्वल्स टू के बराबर होते हैं, और सी रेशो डी, तो यहाँ पर ऐसे हमें ये तीन वैल्यूज गिवेन है। बोला जा रहा है तीसरे वाले की वैल्यू फाइंड करें, जबकि पहला दूसरा और चौथा आपको गिवेन है। मतलब कि ए बी और डी की वैल्यू गिवेन है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आसानी के लिए यहाँ से इसी जनरल वैल्यूज से हम एक फार्मूला बना लेंगे। ए रेशो बी है तो मतलब ए डिवाइडेड बाय बी, और ये इक्वल्स टू, और ये सी डिवाइडेड बाय डी। यहाँ से ये डी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को और सेकेंड और थर्ड वैल्यू को फाइंड कर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लेंगे जो वैल्यूज कौन कौन सी हैं। पहली वैल्यू है 6 जो कि फर्स्ट है, फिर आ जाएगा रेशो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सेकंड वैल्यू बी है और यहाँ पर 16 है तो 16 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रेशो, उसके बाद आ जाएगा सी। पर सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो सी हमें मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी ही नाम दे देंगे। आप कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, ए बी सी, समटाइम्स एक्स दिया जाता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं अल्फ़ाबेट। और यहाँ पर रेशो का साइन और फोर्थ वाला हमें गिवेन है 54। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि ए और डी को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब कि 18, और सी को मल्टीप्लाई करना है 18 मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 54 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 4 24 4, और ये 6 5 30, तो ये 32 हमारे पास आ जाएगा आंसर। 324 इज इक्वल्स टू 18 सी, और ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 324 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 से तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो हमारा सी का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर बुक में ही हमें नेक्स्ट पार्ट गिवन है। इधर हमारे पास आंसर आएगा 54। यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वैल्यूज हमें गिवन है, ये फर्स्ट की गिवन है, ये सेकंड की, और ये फोर्थ की गिवन है। मतलब कि ये कॉमा से पहले ये पूरी टर्म बराबर है ए के, ये पूरी टर्म बराबर है बी के, और ये पूरी टर्म बराबर है डी के। सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें गिवेन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगी डी से तो मतलब ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हमें गिवेन है ए प्लस बी, और सी को हम नाम दे देते हैं एक्स का। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। ये ए माइनस बी सेम आ जाएगा, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। सो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा,
आंसर हमारे पास बचेगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, जो कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होकर के आ जाएंगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। सिंपल हमने क्या करना है, हमें वैल्यूज गिवेन है, तीन वैल्यूज गिवेन है, फर्स्ट की, सेकंड की और फोर्थ की वैल्यू गिवेन है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपनी वैल्यूज पुट करनी है और थर्ड वाले की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर टू हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर टू में हमें बोला जा रहा है फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 842। अब यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, फोर्थ वाली मालूम करनी है, मतलब कि हमारे पास जो चार वैल्यूज थी ए बी सी और डी, उसमें अब हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेंगे ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। यहाँ पर अब हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर पुट कर लेंगे ए और ये बी और ये सी, और डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स। अब ए मल्टीप्लाई बाय डी है हमारे पास फार्मूला, तो मतलब एट मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाई बाय टू। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। सो 8 से 8 कैंसिल, हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पार्ट टू देख लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर पार्ट टू हमने उतार लिया है। तो फोर्थ वाले की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम एक्स का नाम दे देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास एक फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे और फार्मूला ओपन कर देंगे और ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये ऊपर वाली ब्रैकेट से सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने इसलिए ओपन किया ताकि ये ब्रैकेट्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। ये हमारा आंसर पार्ट टू का। क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने मालूम करना है फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल टू। अब मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है, मीन प्रोपोर्शनल कैसे मालूम होगा, चार वैल्यूज ही है हमारे पास ए बी और सी डी। मीन प्रोपोर्शनल में क्या होगा, ये बी और सी वाली मतलब के सेकेंड और थर्ड वाली जो टर्म है ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम रहेंगी। अगर तो फर्ज कर लें जैसे हमारे पास बी का आंसर आता है 1 तो सी का आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा।
तो यहाँ पर मतलब हमें जो दो वैल्यूज गिवेन है, ये दो वैल्यूज किसकी है, एक वैल्यू ए की है और एक वैल्यू डी की है, और हमने बी और सी की मतलब के मेन प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना है जो कि सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज हमारे पास आएंगी ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ए की वैल्यू हमें सवाल में गिवेन है जो कि है 8, रेशो बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, हम नाम दे देते हैं जेड का, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू, और फिर सी को भी हम नाम दे देंगे जेड का क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही है, और डी की वैल्यू हमें सवाल में गिवेन है 18। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, और 18 जब मल्टीप्लाई होगा 8 से तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 and 8 8 64 4, और यहाँ पर आ जाएगा 144। तो आंसर आएगा 144। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ z की, पर यहाँ पर क्या है z स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर 144 पर भी रूट लग जाएगा और z स्क्वायर पर भी रूट अप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो z आ जाएगा सिंपल, और 144 का रूट हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। सेम यही काम यहाँ पर भी कर लेंगे हम सेकंड पार्ट में भी, a की वैल्यू हमारे पास है 5ab² रेशो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी z नाम दे देंगे इक्वल्स टू, b को z नाम दिया तो c भी z आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 28a³b² फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये 5ab² मल्टीप्लाई हो जाएगा 28a³b² से, और इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा z मल्टीप्लाई बाय z। जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 28 ये आ जाएगा 140, a मल्टीप्लाई बाय a क्यूब मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय a क्यूब है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो a पावर 4 आ जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 140 a पावर 4, और b² 2+2 b की भी पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा z का स्क्वायर। सेम वही काम यहाँ पर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा लेंगे, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब रूट लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर का होल रूट, और यहाँ पर आ जाएगा 140 a पावर 4 और b पावर 4 का होल रूट आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा z, और यहाँ पर रूट 140, और ये a पावर 4 और b पावर 4 है मतलब कि ये टूट जाएंगे a स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर से, जिसमें से इस स्क्वायर से ये होल रूट जो लगा हुआ वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये हमारी आ गई z की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं।